एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई तीसरे मरहले के लिए आज से नॉमिनेशन किए जाएंगे। यूपी के 10 हलके के लिए आज जारी होगी नोटिफिकेशन। तीसरे मरहले में 12 जिलों की 10 लोकसभा सीटों पर नॉमिनेशन होगा। संबल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली के लिए भरा जाएगा नॉमिनेशन। 10 लोकसभा सीटों में 8 सीटें जनरल और 2 सीट एससी एसटी के लिए रिजर्व है। तो आज तीसरे मरहले के लिए नॉमिनेशन की शुरुआत हो रही है। यूपी के 10 हलकों के लिए आज नोटिफिकेशन होगा। तीसरे मरहले में 12 जिलों की 10 लोकसभा सीटों पर नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली के लिए भरा जाएगा नॉमिनेशन। 10 लोकसभा सीटों में 8 सीटें जनरल और 2 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं। तो आज तमाम उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। तीसरे मरहले में जो लोग इस बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं चुनावी मैदान में, उनके लिए भी अहम खबर है क्योंकि आज से नॉमिनेशन की शुरुआत हो रही है तीसरे मरहले के, और 10 हलकों के लिए आज जारी होगी नोटिफिकेशन। तीसरे मरहले में 12 जिलों के 10 लोकसभा सीटों पर नॉमिनेशन किया जाएगा। और हमारे नुमाइंदे विशाल रघुवंशी इस वक्त फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विशाल, तो तीसरे मरहले के लिए आज से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्या कुछ देखने को मिल सकता है दिनभर आज? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 12 लोकसभा नामांकन होना है। और आज बात करें तो खास बात यह है कि आज से जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी तीन चरण के लिए 12 जिले की 10 लोकसभा सीटों के लिए, उसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली में नामांकन होना है। बदायूं से जहां शिवपाल यादव को लेकर आदित्य यादव नामांकन करेंगे, तो वही बता दें कि सिंपल यादव मैनपुरी से नामांकन करेंगे। यूपी सरकार के मंत्री जयदीप सिंह भी मैनपुरी से नामांकन करेंगे। आगरा, फिरोजाबाद ये भी एक महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। ऐसे में आज से ये पूरी नामांकन की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 10 लोकसभा सीटों में से 8 सीटें जो है वो सामान्य है और 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो ऐसे में 10 सीटों में ये काफी दिलचस्प जंग जो है वो दिखाई पड़ेगी। तो 12 जिलों के 10 लोकसभा सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तीसरे के नामांकन की अधिसूचना जो है पूरे तरह से जारी हो जाएगी और आज से ही नामांकन शुरू हो जाएगा। माना जा रहा है कि इस दौरान करीब जो 15 तारीख को मैनपुरी से दीपल यादव जो है वो नामांकन कर सकती है, इसकी तैयारी की जा रही है। इसके साथ साथ आदित्य यादव के भी नामांकन में तमाम जो यादव परिवार के लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। ये जो तीसरा पेज है ये बेहद महत्वपूर्ण है, सपा के गढ़ के तौर पर इसको देखा जाता है। तो ऐसे में इसमें ही अगर हम बात करें तो मैनपुरी हो गई हो, चाहे फिरोजाबाद हो गए या बदायूं हो गए, यहाँ पर यादव परिवार के लोग जो है चुनाव मैदान में, इसीलिए इस पर जो लड़ाई है बड़ी तेजी से बताई जा रही है। और अब फिलहाल जो है ये पूरा जो नामांकन की प्रक्रिया है ये आज से तीसरे चरण की शुरू हो जाएगी। जी जी विशाल, तो इन 10 सीटों में सबसे अहम सीटें कौन सी मानी जा रही हैं इस बार? देखिए, इन सब में सबसे ज्यादा अहम सीटें मैनपुरी है क्योंकि सपा का गढ़ है और यहाँ से लगातार जो है सपा चुनाव जीतती रही है, और इसीलिए इस गढ़ को भेजने के लिए बीजेपी को भी काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, और इसीलिए वहां से मंत्री जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि चुनावी रसाकसी के बीच में आज जो है तीसरे चरण के जो चुनाव होने हैं उसके लिए नामांकन है उसकी शुरुआत हो जाएगी, और सबसे खास चीज जो है ये मैनपुरी इसमें से पूरी बताई जा रही है। जी जी, चलिए ठीक है, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। तो यूपी के 10 हलकों के लिए आज जारी होगा नोटिफिकेशन। तीसरे मरहले में 12 जिलों की 10 लोकसभा सीटों पर नॉमिनेशन होगा। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला, बरेली के लिए भरा जाएगा नॉमिनेशन। 10 लोकसभा सीटों में 8 सीटें जनरल और 2 सीटें सुप्रीम एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं। और आज कई अहम उम्मीदवार अपना नामांकन फाइल करेंगे।